कतकम दाग के सिरसी डामोदी स्थित अल्मोनियम फैक्ट्री में हुआ जबरदस्त धमाका। लोहा गलाने के दौरान हुआ जबरदस्त धमाका। धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। वहीं इस धमाके की वजह से फैक्ट्री में लगे सीलिंग फैन का ब्लेड तक टेढ़ा हो गया। मरने वाले मजदूरों की पहचान सुखदेव महतो और रंजीत ठाकुर के तौर पर हुई है। दोनों बिहार के नवादा के रहने वाले थे। सूचना मिलते ही डीएसपी राजीव कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने 2 लोगों के मौत की पुष्टि की। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। क्या घटना घटा देगा? यहाँ घटना यह घटा है कि यहाँ अल्मोनिया गलाया जाता है। अल्मोनिया गला करके माल तैयार किया जाता है। उसमें गलाने वाला हेल्पर लोग हैं। सुजान नहीं रहा था कि इसमें का चीज़ है ना है, समझे। इसे अल्मोनियम यहाँ से उठा करके बड़ा से लेकर के गया, वहाँ भट्टी में डाला गलाई में, और डाल करके मैं चाँप रहा था माल। चाँपते के साथ में विस्फोट कर गया। इसमें बारूद हो या बम हो, यह 2 चीज हो सकता है। क्या कि बिजली बजर गिरेगा तो दीवार तोड़ नहीं देगा, समझे ना। पूरा घर के कंपन है, पूरा गांव घर के ले आनेगा। अल्मोनियम कहाँ से आता था? यहाँ बमे फटा है, इसलिए पूरा मैंने कि दीवार के पंखा उंखा छज में लटका हुआ है अलग रूम में, वो भी टेढ़ा हो गया है। मेरा 2 गांव का मेरा आदमी था, वो भी स्पॉट हो गया। गांव का बगल का वो मेरा भाई है, भाई का नाम मेरा रंजीत ठाकुर हुआ। और दूसरा कौन है? दूसरा है गांव के बगले का नाम, उसका सुखदेव साहू नाम हुआ। कितना लोग घायल इसमें? इस घायल कोई नहीं है, सब 10-2 है। मेरा भाई एक ठो और उसका साथ में रहता से। क्या कुछ चाहते हैं? चाहते तो हैं, मेरा पिताजी बोल ले सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, कैसे विस्फोट हुआ? मुझे लगता है कि इस फैक्ट्री में कुछ बारूद पैक होकर आया होगा बोतल में, और उसी के गलाने के दौरान में डाला गया होगा तो फटा, जिसकी वजह से इतना सारा नुकसान हुआ। कहा जा सकता है बारूद से? बारूद से फटा, हाँ। जैसे कचरा ही कचरा का ही है, कचरा उचरा सब आता है बोरा में पैक, हो सकता है उसमें कुछ होगा। डालने वक्त क्या कचरा कहाँ से आता है? बहुत जगह से आते हैं, बहुत जगह से चुन चुन बीच कर बेचने वाला आते हैं कचरा लेकर गाड़ी से, बहुत दूर दूर से आते हैं, और उसी बीच में कुछ होगा जो फटने की वजह से सारा चीज ये हो गया। नहीं, केमिकल है क्या? नहीं, केमिकल है। वही तो समस्या।